रही हूँ वो है मास्क मेकिंग। देखिए कैसे हम अलग अलग तरीके से मास्क बना सकते हैं, आज मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कार्डबोर्ड्स, ओल्ड कार्डबोर्ड्स, पतले होने चाहिए, थिन वेस्ट क्लॉथ्स, ट्विग्स, फेविकॉल, दैट्स इट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हम ओल्ड कार्डबोर्ड्स लेंगे और वो आपके थिन होने चाहिए बिल्कुल। और हम इस पे, आप जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले हम फेस का एक कट साइज कट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले कार्डबोर्ड लेंगे और उस पे हम ड्रॉ कर लेंगे। आप ड्राइंग पेंसिल से भी कर सकते हैं, स्केच पेन से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप ड्राइंग कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, ऐसे ही मैं सब कार्डबोर्ड्स पे ड्राइंग्स कर लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नोज़ और ये सारे पीसेस हम कट ड्राइंग कर लेंगे। तो मैंने सारे कार्डबोर्ड्स पे मार्किंग कर ली है। देखिए नोज़ की मार्किंग कर ली है मैंने, हेड की मार्किंग कर ली है, ये सारे पीसेस पे मैंने मार्किंग कर ली है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही कॉपी करना है, आप अपने तरीके से भी अलग अलग शेप्स में इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ईयर की वन साइड की है, अभी इसको मैं कट करके उसका दूसरा पीस बताऊंगी मैं कैसे निकालूंगी, वो भी चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। अब मैंने सारी कटिंग्स कर ली हैं अपने मास्क के लिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम ईयर कैसे कट करेंगे। वन साइड हमने कट किया है तो दूसरी साइड हम ऑपोजिट लेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। आप इसको अपने तरीके से भी बना सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। और आप इसको बना के अपनी वॉल पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बड़ा बनाना है तो आप बड़ा बना लीजिए। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये जो कार्डबोर्ड होता है इसमें एक अंदर एक और लेयर होती है, अगर हम इसको ऊपर हटाएं इसको तो एक अंदर से ऐसा वाला पार्ट आएगा, देख रहे हैं आप डिज़ाइन, ये वाला, ये चीज़ आपको इसमें दिखेगा। अब मैं इसको रिमूव कर दूंगी पूरा पेपर तो ये ऐसा डिज़ाइन निकलेगा। अब हम बच्चों वेस्ट क्लॉथ लेंगे, कोई भी आपके पास ब्राइट कलर्स हो घर पे आप वो ले सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए ये वाले क्लॉथ पीसेस लिए हैं मैंने, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए हैं मैंने, ऐसे ही आप कोई भी ब्राइट कलर्स ले लीजिए तीन चार, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेस बनाएंगे, मैंने इस पर फेविकॉल लगा लिया है, अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगी और थोड़ा साइड साइड में, देखिए यहाँ पे मैं साइड साइड में मार्जिन रखूँगी जिससे कि हम इसको अंदर फोल्ड कर सकें। अब मैं यहाँ से साइड से कट कर दूँगी, देखिए मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसके बाद इसको ऐसे ही सारे जितने भी पीसेस हैं मैं उनको ऐसे ही पेस्ट करने वाली हूँ। जब आप फेविकॉल लगाएंगे
तो लगाने के बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप फिंगर से स्प्रेड कर देंगे इसको, ठीक है, और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। सेकंड पीस पे भी ऐसी करेंगे। इसको भी हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने सब पुराने ही कपड़े लिए हैं, आप भी ऐसे यूज करिएगा। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हमने सारी पेस्टिंग कर ली है। अब आपको जब पेस्टिंग करेंगे कार्डबोर्ड पे, आपको ध्यान रखना है कि ये जो कलर्ड पोर्शन होता है कार्डबोर्ड में एक साइड, वो आपका ऊपर रहना चाहिए। अगर आपका अंदर की तरफ आएगा तो वो जो क्लॉथ है उसमें से विजिबल हो सकता है वो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम इसको बंद कर, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। हम इसको कटिंग भी कर सकते थे, बट कटिंग में उतनी नीटनेस नहीं आएगी। कटिंग कर सकते हैं आप, बट अगर आप इसको फोल्ड कर देंगे तो हमारे जो साइड से ये यहाँ पे नीटनेस आएगी बिल्कुल। इसको कॉर्नर से ऐसे मोड़ लीजिए और सारे पीसेज रेडी हो गए हैं। तो अब हम आईज वाला पार्ट जो है, ये दो पीसेज मैंने रेडी कर लिए आईज के लिए, अब मैं इस पर आईज बनाऊंगी। मैंने दोनों आईज को स्केच कर लिया है, देखिए। अब मैं इसको कलर करूंगी। कलर आप ऑयल पेस्टल से भी कर सकते हैं, फैब्रिक कलर से भी कर सकते हैं, जो भी कलर आपके पास इजीली अवेलेबल है घर पे आप उससे कलर कर सकते हैं। अब मैंने इसमें आईज़ में कलर कर लिया है ऑयल पेस्टल कलर से। अब आप इसको ईयरबड से या फिर एक स्टिक में कॉटन लगा के आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। और अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप फिंगर से भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। आपको बस जब आप पेस्टिंग करेंगे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका क्लॉथ कॉटन होना चाहिए। अगर आप सिंथेटिक क्लॉथ लेते हैं तो आपको एक तो पेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगा और आपको उस पर कलरिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। आप इसको ऐसे स्प्रेड कर लेंगे, देखिए। अब हम इसको आउटलाइनिंग कर लेंगे। किसी भी स्केच पेन पेंसिल से आप इसकी आउटलाइनिंग कर सकते हैं। थोड़ी डार्क करिएगा आउटलाइनिंग, जिससे ये और अच्छा लगे। देखिए अब हमारी आईज भी रेडी हो गई हैं। अब हम इसको पेस्टिंग करेंगे। सब चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने ये बेस लिया। अब हम ऊपर ये, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी पेस्टिंग कर सकते हैं। आपने ऐसे लिया, मैंने इसको इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसकी आईज पेस्ट करूंगी। आईज़ को आप अपने अकॉर्डिंग पेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको करना है। ऊपर नीचे करना है थोड़ा सा तो वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ
अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको आईज को ऐसे पेस्ट करूंगी। आप बस ध्यान रखिएगा कि जो पेस्टिंग आप क्लॉथ लेंगे पेस्टिंग के लिए, वो कॉटन लें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। सिंथेटिक थोड़ा टाइम लगता है उसको पेस्ट होने में। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, अब मैं इसको यहाँ करती हूँ। देखिए मैंने ये सारा मास्क पे सब चीज़ें पेस्ट कर दी हैं। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं मास्क में। फेस मैंने लिप्स यहाँ पे ऐसे यहाँ पे पेस्टिंग की है। अब मैं ईयर पेस्ट करने जा रही हूँ। ईयर आप ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ लगा दीजिए, एक आप यहाँ लगा सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे लगा सकते हैं थोड़ा नीचे करके। ये आपकी चॉइस है, आप दोनों सामने भी लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। एक आप यहाँ लगा सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे लगा सकते हैं थोड़ा नीचे करके। ये आपकी चॉइस है, आप दोनों सामने भी लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। देखिए मैंने ईयर पेस्टिंग कर ली है मास्क पे। अब हम, जैसा कि आप इस मास्क में देख सकते हैं, अब हम ये फ्लावर बनाएंगे और ट्विग्स लगाएंगे। उसके लिए हम एक स्क्वायर पेपर लेंगे, कोई भी मैगजीन का पेपर आप ले सकते हैं, और इसको आप फोल्ड करेंगे। हम इसको पेपर को, स्क्वायर पेपर को पहले ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे मोड फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार, फिर हम इसको यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे। ये जो खुला हुआ पार्ट है वहाँ से हम कटिंग करेंगे। आप कुछ भी, किसी भी शेप में आप फ्लावर कट सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें, कोई भी पुराना कुछ भी सामान लगाना चाहें, जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। देखिए ये मेरा फ्लावर कट हो गया है। अब इसको देखिए मैं ऐसा थोड़ा यहाँ से कट करूँगी ऐसे, कट किया मैंने यहाँ से। अब इस वाले एक पेटल को मैं दूसरी पेटल के ऊपर ओवरलैप कर दूंगी और इसको फेविकॉल से पेस्ट कर दूंगी ऐसे। इससे देखिए ये ऐसा इफेक्ट आएगा, इसका फ्लैट लुक नहीं आएगा, थोड़ा सा फ्लावर वाला लुक आएगा उभरा हुआ। अब हम इसको, आप इसको इसका शेप कम भी कर सकते हैं। देखिए अब हम ट्विग्स लेंगे और इसको यहाँ पे मास्क के ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्टिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लगाया यहाँ फेविकॉल से। अब हम जो हमने फ्लावर बनाया था हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। और कोई भी पुराना कैप लेंगे हम और वो हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ऐसे लाइक दिस। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हमारा मास्क रेडी है। आप इसको अपने
डिज़ाइनिंग के हिसाब से आपको जैसे पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। मास्क मैंने देखिए इसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हैं, आप भी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ इसको बना सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए ये मैंने अलग कॉम्बिनेशन लिया था, ये मैंने अलग लिया है। देखिए मैंने एक और तरीके से मास्क बनाया हुआ है। ये आप इसमें वन साइड आप क्लॉथ पेस्ट कर सकते हैं इसमें, और वन साइड आप प्लेन रख सकते हैं। और ये मैंने कार्डबोर्ड की आईज़ बनाई हुई हैं इसमें, और ये जो जैसा कि मैंने बताया था इसमें डिज़ाइन आप उसको पील कर सकते हैं पेपर को, तो ये डिज़ाइन ऐसा आएगा कार्डबोर्ड में। और आप ऐसे ट्विग जैसे भी लगा सकते हैं, सेंटर में भी लगा सकते हैं, और देखिए ईयर को आप राउंड फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए आईज़ देखिए मैंने अलग तरीके से बनाया, आप भी अपने तरीके से नया इनोवेटिव कुछ अलग बनाइए मास्क एंड एंजॉय दिस एक्टिविटी। थैंक यू।